वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो जैसे कि थंबनेल एंड टाइटल तो आपने देख लिया होगा कि ये ब्लॉग किस बेस पे है। अगर आप अपनी शॉप पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है, जैसे 20 रुपये 30 रुपये और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कटलरी वाली वैरायटी होती है, आप अपनी शॉप पे सेल करते हो, तो भाई ऐसी शॉप में आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो ब्लॉग है गाइस, ये पार्ट टू है। आपने पार्ट वन नहीं देखा तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो दीपक सर कैसे? बहुत बढ़िया। वैसे गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये जो शॉप है ना, इस शॉप का ब्लॉग मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालने वाला हूँ। यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलेगी, आपको मैं थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी। वैसे अगर आप इस चीज़ का बिजनेस करते हो तो आपको पता चल गया होगा, बट अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? अभी हमारी दूसरी शॉप है इसी मार्केट के अंदर। पहला तो वीडियो आपने देख लिया था लक्ष्मी कटलरी स्टोर का, छालूपुर ब्रिज पे हमारी दूसरी शॉप है। वहाँ विकी भाई आपको मिलेंगे, वहाँ आपको 10-20 रुपये वाली जो भी कोई भी बिजनेस छोटा व्यापारी धंधा करना चाहता है, 10 से लेके 100 रुपीज़ 200 रुपये 300 रुपये तक सब आपको रेंज मिल जाएगी वहाँ पर। जो वो अपनी शॉप है वो मेन होलसेलर, मतलब होलसेलर को ही सप्लाई करते हैं? हाँ, होलसेलर। रिटेल बिल्कुल किसी को भी नहीं? रिटेल और होलसेल दोनों को करते हैं। रिटेल एंड होलसेल दोनों करते हैं। रिटेल इन द सेंस, अगर किसी को सिंगल पीस लेना हो तो सिंगल पीस नहीं, सिंगल पीस नहीं देते, मतलब एक बंच अगर किसी को लेना हो तो। ओके, आपको मैंने जो वो ब्लॉग दिखाया था कालूपुर वाला, जो कि आपने उस ब्लॉग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे दीपक भाई एंड इस शॉप पे आपको मिल जाएंगे विक्की भाई। तो विक्की भाई से अभी बात करते हैं। एंड विक्की भाई, अपने व्यूअर्स को थोड़ा कुछ कलेक्शन दिखाइए, थोड़ा डिटेल हमारे व्यूअर्स को दीजिए। हमारा माल पूरा गुजरात में जाता है, गुजरात के अलावा राजस्थान में, महाराष्ट्र में, MP में, हर जगह माल जाता ही है। काफ़ी सारे आइटम हैं, काफ़ी सारे वैरायटी है, और जो होलसेलर है, सेमी होलसेलर है, उनको भी माल जाता है। और प्लस ये जो छोटा छोटा काम करते, लारी फेरी लेके घूमते हैं, जो छोटा गला लगाते हैं, पान का गला है, अपने गांव में अपनी मार्केट में ऐसी सब चीज़ें रखते हैं, जैसे प्लास्टिक की 20-30 रुपए वाली चीज़ें होती है, 20-30 रुपए की है, उसे कम चाहिए उसे कम भी है, 10 रुपए जो 7 रुपए पड़ेगा 10 में बंदा बेच सकेगा अगला। अच्छा, वो पर भी है। और 5 रुपए वाली आइटम जो 3 रुपए की पड़ेगी 5 में बंदा बेच सकेगा, उसमें भी 20-40 टका कमाएगा उसमें बंदा। गाइस बेसिकली आप लोगों को ये पता है कि मैं इस ये ब्लॉग में किस बेस पे बना रहा हूँ, बट मैं आपको इस वीडियो में विक्की भाई से मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो आप कम से कम कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या आइटम अपनी शॉप पे रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ कलेक्शन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को? सबसे जैसे मार्केट होता है, जैसे जैसे सीज़न होती है, जैसा मौसम होता है वैसी वैसी चीज़ें चलती है। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो इनके पास पानी की बोतल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा चलती है। वैसे पानी की बोतल में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आती है, जैसे महंगी सस्ती काफ़ी सारी आती है, लेकिन इनके पास जो आपको मीडियम रेंज, अगर आप कम से कम बजट में आप अपनी शॉप पर सेल करते हो वैसी आपको मिल जाएगी। देखो ये है प्लास्टिक बोतल है। ओके, इसमें काफ़ी आइटम आएगी, और भी आइटम आएगी। ये क्या प्राइस है और कितने पीस आएंगे और कितने में पड़ेगी और कितने में सेल होगी? ये अपने को 14 रुपये में पड़ेगी, ये 20 रुपये में सेल होगी। ओके, 14 रुपये की पड़ेगी, मतलब अच्छा ये एक पीस अपने को 14 रुपीज़ में पड़ता है। 14 रुपीज़ का पड़ेगा, ये डजन 168 रुपये का पड़ेगा, ये 2 डंगा बन जाता है। ओके, ये अगर किसी को लेना हो तो कम से कम कितनी पीस ले सकता है आपसे? ये अपन से पहले एक डजन ले, 2 डंग लेकर ज्यादा ले तो और ये पैकेट तो आपका 6 पीस का है, तो अगर 4 पीस का पैकिंग है, 4 पीस का पैकेट है, 4 पीस का, इसमें 8 पैकेट आते हैं, 6 पैकेट आते हैं। ओके, 24 पैकेट का बंडल आता है, तो कम से कम 24 पीस आपसे कस्टमर ले सकता है। एंड ये अपने को 14 रुपये में पड़ती है। तो ऐसे और भी काफी सारी वैरायटी होगी अपने पास, काफी बहुत सारे आइटम यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। ये सबसे चीपेस्ट प्राइस में है, जैसे कि इन्होंने बताया कि 6.5 रुपीज़ में अपने को ये बोतल पड़ती है। एंड ये बिकती कितने में सर? ये कितने में बिकेगी? 10 रुपये में बेचते हैं, 10 या 15 रुपये में, जैसा जैसा मार्केट ज्यादा सेल होगी, जैसा जैसा आपका एरिया होगा, जैसा आपका मार्केट होगा, उस तरह से ये सेल होती है। वैसे अगर आप लोग इस सब चीज़ों का बिजनेस करते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या चीज़ है, बट मैं आपको बेसिक इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि भाई देखो इनके पास ये सब वैरायटी मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि आप सबको पता है कि प्लास्टिक की एक होलसेल की शॉप होती है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम आपको दिखा नहीं सकेंगे, फालतू में आपका टाइम जाएगा, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको प्रॉपर हम दिखाएंगे। एंड यहाँ पे कुछ विक्की भाई ने सैंपल निकाले हुए हैं, तो विक्की भाई इन सैंपल के बारे में थोड़ा बताएंगे और प्राइस लिस्ट देंगे हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल देंगे। देखो जैसे ये मिरर है, 4 रुपये का पड़ेगा वाली का, जैसे मैंने आपको बताया था 5 किलो का भी है, 10 किलो का, 20 किलो का भी है। ओके, 4 रुपये का पड़ेगा, 5 रुपये का बिकेगा। अच्छा, ये ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ें जो 5-10 रुपये में बिकती है? हाँ, बिक सकता है, अगर बंदे को जो नवा धंधा करना है, नवा कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी वो कर सकता है। मैक्सिमम उसको 5000 का तो भी धंधा स्टार्ट कर सकता है, मतलब 5000 में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो विक्की भाई ये क्या प्राइस है और कितने पीस की पैकिंग आती है? ये 12 रंग की पैकिंग आती है और 6 डजन की टोटल पैकिंग आती है, 72 पीस की पैकिंग आएगी। अच्छा, 72 पीस की पैकिंग आती है, और ये एक पीस कितने का पड़ता है? ये 5 रुपये का पड़ेगा अपने को, 5 का पड़ता है। अच्छा, 5 का पड़ता है और 10 में चलता है, डबल होगा। तो गाइज ये रेगुलर चीज़ है, अगर आप अपनी शॉप पे ऐसी चीजें रखते हो तो भाई रेगुलर चीजें इनके पास काफी ज्यादा मिल जाती है। ये नाइफ, ओके, नाइफ में भी इनके पास आपको वैरायटी मिल जाती है, काफी आइटम है ये। ओके, तो ये नाइफ क्या प्राइस से स्टार्ट होती है अपने पास? ये अपने पास स्टार्ट तो 5 में तो होती है, लेकिन ये अच्छी वाली चीज है,
तो ये महंगी बिकेगी, 15 रुपए की अपने को पड़ेगी, 180 रुपए डजन पड़ेगी अपने, ये 180 रुपए के डजन पड़ती है, यानी 15 रुपए का एक पीस पड़ता है, बिल्कुल। तो ये कुछ 20 से 30 रुपीज में सेल कर सकता है, 30 रुपए सेल होता है, 30 रुपए सेल होता है। ओके, एंड इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी होती है, मतलब अच्छी रेगुलर, मतलब रेगुलर यूज पे चलती है, वैसी क्वालिटी होती है। एंड इसके अलावा गाइस देख सकते हो ज्योमेट्री बॉक्स, अभी ये ज्यादा चलेगा बिकॉज अभी वेकेशन स्टार्ट होगा, अभी न्यू एडमिशन स्टार्ट होगी, तो ये ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास कितने पैसे से स्टार्ट होती है सर? स्टार्ट वैसे 7 रुपए से होती है, लेकिन ये अच्छी चीज है, तो ये 30 रुपए मतलब 30 रुपए बिकेगी, ये 27 रुपए की पड़ेगी, 300, ये 27 रुपीज। ये जितने भी आप मुझे प्राइस बता रहे हो, ये प्राइस कभी ऊपर नीचे होती है या एक ही रहती है? नहीं, ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। ये वीडियो में मैं आपको जितने भी प्राइस बता रहा हूँ ना, आप पर्टिकुलर इस प्राइस को पकड़ना मत। मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ कि इस शॉप, ये शॉप पे आपको मार्केट से काफी ज्यादा फायदा पड़ेगा और काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा, बिकॉज ये शॉप अहमदाबाद में पहले से ही फेमस है और हम इसका व्लॉग बना रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये इस शॉप के बारे में नहीं पता है, तो आप ये वीडियो उन लोगों को शेयर करो जिनको ये सारी चीजें अपनी शॉप पे सेल करते हैं। और भी बहुत सारी वैरायटी है, मैं आपको कुछ वैरायटी दिखाऊंगा, इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा करेंगे बिकॉज आप लोगों को पता चलेगा इनके पास क्या क्या वैरायटी है। और अभी तक आप ये व्लॉग देख रहे हो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, नीचे आपको छोटा सा लाइक का बटन दिख रहा होगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अभी मैं आपको कुछ और वैरायटी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, काफी ज्यादा हमने सैंपल्स निकाले हुए हैं। तो अभी क्या दिखा रहे हैं सर हमारे व्यूअर्स को? मैं आपको लाइटर दिखा रहा था, एक लाइटर जैसे ये है, 4 पीस का सेट है। अच्छा, ये पूरा सेट है? पूरा सेट गाइस, यहाँ पे देख सकते हो पूरा सेट है, एक लाइटर है और एक ये जो शीन करते हैं चीज वगैरह डालते हैं जिसमें, और ये आप देख सकते हो किचन की नाइफ में वैरायटी है। ये क्या प्राइस में पड़ता है? वैसे यहाँ पे 199 लिखा हुआ है, ये तो ये सेलिंग प्राइस है। एंड ये 45 रुपीज का पड़ेगा। अच्छा, ये ओनली 45 का पड़ता है? 45 का पड़ेगा। क्या बात है गाइस, इसमें देख सकते हो अगर आप अपनी शॉप पे ऐसी चीजें रखते हो तो भाई 45 का पड़ेगा। वैसे 199 का तो नहीं सेल होता, ये 90 रुपीज में सेल होता है, 90 से 100 रुपीज में सेल होता है। बट ऐसी चीजें आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिल जाएगी और काफी ज्यादा मार्केट से आपको फायदा पड़ेगा। आपने मुझे 45 रुपीज में बोला, वैसे जिसका आपने भी प्राइस बताया, तो प्राइस में डिफरेंट पड़ेगा मार्केट से? बिल्कुल, मतलब सस्ता पड़ेगा और फायदा पड़ेगा। हर मार्केट कहीं भी घूम के आएगा ना, इसकी 100% गारंटी है, अपने पास फायदा ही पड़ेगा। ओके, एक जगह नहीं, 100 जगह घूमने का, 10 जगह घूमने का, तो बंदे को लगेगा अब यहाँ फायदा है कि नहीं है। तो बिल्कुल, लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें से काफी कस्टमर आपके पास बिल्कुल आए थे, बहुत अच्छा सब्सक्राइब मिला था हमको, बहुत अच्छा मतलब कि गाइड किया था उन्होंने भी और अच्छा माल लिया है हमसे, काफी लोगों ने फोन भी आया काफी बहुत सारे। एंड मान लीजिए कोई अगर अहमदाबाद, कोई गुजरात के बाहर से है, तो उसको कितने दिन में डिलीवरी मिल जाती है पार्सल की? उसको मतलब यहाँ से माल निकाल दे, 3 डेज में उसको माल मिल जाएगा, 3 डे में माल मिल जाएगा। अगर आप अहमदाबाद से हैं तो आप इस मार्केट में इनकी शॉप पे आ सकते हो। पूरा मैं एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो नीचे आप कॉन्टेक्ट नंबर देख रहे हो, इनको कॉन्टेक्ट करके आप इनसे व्हाट्सअप के जरिए भी वैरायटी के सैंपल, अच्छा ये व्हाट्सअप कोई करेगा आपको, आप व्हाट्सएप के जरिए सैंपल वगैरह भेज देंगे? जी बिल्कुल भेजेंगे। ओके, सैंपल वगैरह आपको व्हाट्सएप के जरिए से भी आ जाएंगे। बाकी के इनके पास बहुत ज्यादा वैरायटी, कुछ कंटिन्यू करता हूँ, अभी मैं आपको कुछ वैरायटी दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके पास जो भी आपको प्राइस है मार्केट में, आपको यहाँ से सस्ती कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा सस्ता शॉप है और सबसे ज्यादा वैरायटी आपको इसी शॉप पर मिलेगी। बाकी शॉप बहुत सारी है इस मार्केट में जैसे ही आप आएंगे, बट इस शॉप पर आप जैसे ही विजिट करेंगे यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फायदा पड़ेगा। तो अगर आप अपनी शॉप के लिए ऐसी शॉपिंग करना चाहते हो, खरीदारी करना चाहते हो, तो पहले आप इस शॉप पर विजिट करना। ये पूरा मार्केट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप मिलेगी, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मैं हूँ लक्ष्मी स्टोर में, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लास्टिक की एवरी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कॉस्मेटिक की, कटलरी की, और जो छोटी छोटी अगर आप अपनी शॉप पर सेल करते हो छोटी छोटी चीज़ें, तो सब मिल जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ अभी वैरायटी दिखाई थी, तो कुछ और वैरायटी दिखाएंगे। जैसे कि विक्की भाई अभी थोड़े बिल बनाने में फिजी हो गए हैं। विक्की भाई कहाँ से कस्टमर आया फिलहाल अपने पास? मेरे पास अभी ये खेरवाड़ा से आया। खेरवाड़ा, ये किधर आया? ये डूंगरपुर के, ये क्या नाम है, उदयपुर से पहले आया खेरवाड़ा, राजस्थान आया, राजस्थान से। तो फिलहाल आप रहिए बिजी, हम करते हैं दीपक भाई से बात। दीपक भाई कुछ वैरायटी हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे, इसके अलावा जो अभी हमने दिखाई उसके अलावा दिखाता हूँ। ये देखिए एक बाउल आता है, ये मल्टीपर्पज बाउल बहुत चलता है, देखो ये बाउल। क्या बात है, बास्केट, बास्केट के अंदर, ये सेकंड बास्केट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको फर्स्ट बास्केट भी। अच्छा, ये सेकंड मतलब ये थोड़ी कम क्वालिटी? हाँ, कम क्वालिटी। ये कितने में सेल होती है वैसे? ये 10 रुपए में सेल करने वाले भी करते हैं, 15 रुपए में सेल करने वाले भी 15 रुपए में सेल करते हैं। अच्छा, केवल और 7.5 रुपए की चीज है, 7.5 रुपए में अपने को पड़ता है। ओके ओके, उसके बाद ये आपको एक प्योर 100% वर्जिन बास्केट दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी वर्जिन का ऑप्शन आता है? ओके, ये हेवी वाली आती है,
ओके गाइस, इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है, इसमें कलर ऑप्शन भी है, कुछ देख सकते हो यहाँ पे। ये वैसे बेसिकली फ्रूट रखने में काम लगता है ना, रखने में काम आती है, मल्टीपर्पज बहुत सारे कामों में, लेडीज़ को किचन में काम आती है। एंड ये कितने पीस की पैकिंग आती है सर? ये 12 पीस की पैकिंग आती है। 12 पीस की पैकिंग आती है, कितने में पड़ती है? ये कितने में पड़ता है सर? ये 30 रुपीस में पड़ता है। 30 में पड़ता है। और इसकी सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस 50 रुपीस। 50 रुपीस सेलिंग प्राइस है। और कम से कम आपसे कोई 12 पीस ले सकता है? कम से कम 12 पीस ले सकता है। कि भाई कुछ और वैरायटी दिखाने वाले? देखो जैसे कंघा है, पान का गले वाला हो तो वो भी रख सकता है। अच्छा, ये छोटी छोटी बेसिक शॉप पे जो 10-10 रुपए में मिलते हैं, वैसे ही आप अगर अपनी शॉप पे रखना चाहते हो तो ऐसी रख सकते हो। टूथब्रश है, किराने की शॉप है, या पान का गल्ला हो तो भी उसमें चल सकता है। ये ओनली फॉर 5 रुपए का पड़ेगा। ओके, ये 5 का पड़ता है और 10 में बिकता है। भाई देखो यार, बेनिफिट तो यार इस धंधे में होता है। अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो जैसे कि विकी भाई ने बताया कि 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा साफ सफाई की चीजें भी इनके पास मिल जाएगी। जारू में ये कितने रुपए में आता है सर? ये पूरा पैकेट 450 रुपए का है। 450 में 10 पीस आएंगे उसके अंदर। 10 पीस मतलब 45 रुपए का एक पड़ता है। बिल्कुल सही बात, 45 का पड़ता है। और कितने में सेल होता है वैसे? 60 रुपए का सेल होगा। 60 रुपए में सेल होगा, 80 रुपए का सेल होगा। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ये जो जारू अपने लास्ट टाइम अपने आसपास की शॉप में से कितने में लिया था, तो भाई मुझे ये बताना कमेंट करके। अच्छा, प्योर वर्जिन आता है? प्योर वर्जिन आएगा। तो भाई प्योर वर्जिन का मतलब 80 स्टिक आएगी। 80 स्टिक, हां 80 स्टिक आएगी। और बहुत अच्छी चीज आएगी, क्वालिटी अच्छी आएगी बेसिकली। ओके, उसके बाद ये चलनी है, आटा चलनी है। अच्छा, सेट आता है तो इस तरह की वैरायटी भी आप सारी रखते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस देख सकते हो, साफ सफाई की आपको बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइटर में इनके पास वैरायटी है, मिरर में इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये मिरर आपके पास इतने सारे पड़े हैं तो मिरर की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है क्या? जी बिल्कुल, बहुत सारा होती है। बिल्कुल, तो ये ज़्यादातर कहाँ चलती है, मतलब गाँव में चलता है? जी जी, गाँव राजस्थान है, MP है, महाराष्ट्र है, हर जगह वहाँ चलता है। राजस्थान में छोटे छोटे गांव है, सागवाड़ा, ज्यादातर माल आपका राजस्थान साइड जाता है? बिल्कुल, राजस्थान ज्यादा जाता है। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस, बोतल में इनके पास बहुत सारा वैरायटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ऊपर, ये जो बोतल है रेड वाली, वो तो सॉस की बोतल है। सॉस की बोतल है, पानी पूरी, अभी मसाला भी डालते हैं उसके अंदर। ओके, अभी मल्टीपर्पज हो गई, अभी मल्टीपर्पज चीज हो गई, सॉस के लिए स्पेशल चलती थी, अभी मल्टीपर्पज हो गई। हां, कुछ लोग तो वो भी डालते हैं ना, जो होती है। गाइज अभी मैं इनके गोडाउन पे हूँ, यहाँ पे देख सकते हो इनका पूरा गोडाउन है। वैसे ये इनका एक गोडाउन नहीं है, बहुत सारा गोडाउन है यार। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इनमें कम प्राइस में और बहुत ज़्यादा स्पेस रखते हैं। तो इसमें देख सकते हो, यहाँ पे पानी की बोतल में इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो ये पानी की बोतल इतनी सारी आपने मंगवाई है, इतनी है कि इससे अलावा भी और बहुत सारी है? बहुत सारी है सर। अभी तो ये मैं आपको मतलब समझो कि एक सैंपल दिखा रहा हूँ। अभी अभी कोई कस्टमर मेरे को आके बोले कि सर ये मुझे ये बोतल में 1,000 पीस चाहिए, तो मेरे पास सर रेडी मिलेंगे आप। अच्छा, 1,000 पीस आपके पास रेडी स्टॉक मिल जाएगा? हर बोतल के अंदर, हर बोतल के अंदर, हर बोतल के अंदर। गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ डब्बे हैं किचन में रखने के, जार। ओके, ये जार में वैरायटी है। वैसे जैसे कि आपने बताया कि क्वांटिटी आपके पास एनी टाइम मिल जाएगी? एनी टाइम सर, एनी टाइम क्वांटिटी मिल जाएगी। एंड क्वांटिटी सिर्फ पानी की बोतल में मिलती है या हर चीज में? हर चीज में सर, हर चीज। आप बोलोगे कि मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कि ये जार आपने चॉइस किया, आप जार बोलोगे मुझे 120 डजन चाहिए, मतलब 1200 पीस हुए। ओके, तो 1200 पीस मेरे पास अवेलेबल मिलेंगे आपको। तो जैसे कि अभी मैंने आपने बोला कि 1200 पीस, तो 1200 पीस कोई एक शॉप वाला तो लेगा नहीं। हाँ, तो समथिंग आप किसी होलसेल वालों को सप्लाई करते हो? मतलब इसमें क्या होता है, हमारे साथ होलसेलर भी जुड़े हुए हैं और रिटेलर भी जुड़े हुए हैं। ओके, अगर किसी को होलसेल करना हो आपसे लेके, तो भी वो होलसेल कर सकता है? कोई भी पूरे इंडिया के अंदर आपको कहीं पे भी होलसेल करना हो, अगर आप गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, राजस्थान के हो, एनी टाइम सर वेलकम। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे सर इस बारे में। आप अपने शहर में जाके, अगर आपका ये बिजनेस नहीं भी हो, अगर आपको होलसेल करना है, तो भी पूरी हम आपको गाइडनेस देंगे सर, कि ये माल हमसे कैसे लें और कितने में बेचें, सब आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर कोई न्यू बंदा आता है आपके पास, जिसको जो खुद जीरो जानकारी है, जिसको बिल्कुल पता नहीं, और उसको उसके पास पैसा है बट ये बिजनेस करने के लिए बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो उसको भी आप प्रॉपर गाइड करते हैं? प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर 100%, कितने में माल लेना है, कितने में बेचना है, कितना प्रॉफिट मिलेगा और कैसे माल बेचना है, वो भी उनको सिखाएंगे। वो भी पूरा। कोई बिजनेस के अंदर बंडल बचा हो, किसी के पास नहीं चल रहा है, तो हम देखेंगे पहले, हम सपोर्ट करेंगे। ओके, किसी को फर्स्ट नहीं देंगे सर। ओके, यानी बेसिकली थोड़ा छोटा मोटा आप सपोर्ट करते हैं उसको, एक 100% सपोर्ट, छोटा मोटा 100% सपोर्ट, हमारे जितना बन सकता है हम 100% सपोर्ट करेंगे सर। यहाँ पे जैसे मैंने आपको नीचे वाली शॉप दिखाई, एंड यहाँ पे मैंने आपको एक इनका सेकंड फ्लोर दिखाया, यहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटी है। इसके अलावा इनका ऊपर भी गोडाउन है। वैसे गोडाउन में जाने की अनुमति तो नहीं है सबकी, बट मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा इनका गोडाउन है, और जैसे कि सर ने बताया
अच्छा इसके ऊपर भी है, छह माले नहीं जाने सर इतना ठीक है, हमारे व्यूअर समझ जाएंगे। अपने पास बहुत सारा स्टॉक है और यहाँ पे देख सकते हो गाइस बहुत ज्यादा स्टॉक है यहाँ पे, आप देख सकते हो मतलब हर चीज में, जैसे दीपक भाई ने बताया कि हर चीज में अपने को फुल क्वांटिटी मिल जाती है। फुल क्वांटिटी मेरे पास छह माल की गोदाम है, छह भरे हुए हैं। ऐसा एक गोदाम हमारा वेयर हाउस दूसरा भी है, वहाँ पे भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का ले चलूंगा, थोड़ा दूर है इसके लिए आज वीडियो यहाँ तक दिखाएंगे आप। मैंने आपको बताया कि अभी मैं था लक्ष्मी स्टोर में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनका विजिटिंग कार्ड है, और ये इनका विजिटिंग कार्ड है गाइस। पूरी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, चेक कर लेना। ये जो नीचे स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हो ये इनके व्हाट्सअप नंबर है, तो ये जो नंबर हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जी, ये आपके पास रहता है, आपके पास रहता है? ये मेरे पास भी रहता है और भैया के पास भी रहता है। अच्छा दो नंबर है अपने पास, दो नंबर। तो वैसे दोनों नंबर की डिटेल मैंने दे दी है, और इनका एक पेज भी है, इनका मैंने एक बार पहले वीडियो बनाया, वो पेज का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो भी देख लेना। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनकी, कुछ दो तीन शॉप्स है, और जो तीसरी वाली शॉप है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम डालूंगा, उसमें भी और इसके अलावा और बहुत सारी वैरायटी है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाई काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक की वैरायटी, जो कि आप अपनी शॉप पे सेल लगा सकते हो, सेल कर सकते हो। ये इनका विजिटिंग कार्ड है, एड्रेस पूरा डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करना जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपकी फैमिली में है, और आपके आसपास में कोई भी इस चीज़ का शॉप बिजनेस करता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका शॉप अहमदाबाद में ही हो, अहमदाबाद के बाहर भी ये लोग सप्लाई करते हैं, पार्सल के ज़रिए आपको माल बैठे बैठे मिल जाएगा, और 5,000 रुपये में आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी शॉप पे स्टार्ट कर सकते हो। तो फाइनली गाइस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।